हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो आज से यहाँ पर ईसीसी टी10 लीग जो चल रही है उसके यहाँ पर प्लेऑफ के मैच आज से स्टार्ट होंगे। और पहला मुकाबला जो है वो खेला जाएगा आइसले ओपमैन और इस्टोनिया के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना है। मुकाबला जो है स्टार्ट होगा 3:15 पर और मैच जो है सेम वेन्यू पर खेला जाएगा। सबसे पहले अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको टॉप पर पिन किया और मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हो। बात करें पिच रिपोर्ट की तो यहाँ पर 33 मुकाबले हुए हैं, 17 जीते। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 16 में 6 हुआ है। एवरेज स्कोर 120 से 150 के बीच में यहाँ पर बनता है। अब देखो पहले बात कर लेते हैं आइसले ऑफ मैन की टीम की। तो इनकी जो टीम है इनकी टीम की तरफ से लास्ट मैच में ओपन किया ओली वेबस्टर, इडी बियर्ड, यहाँ से क्रिश्चियन वेबस्टर, सैम बर्नेट, ल्यूक वार्ड न्यू प्लेयर है जो स्क्वाड में ऐड हुए हैं, फिर अक्की वेंडर बर्ग, क्रिस लैंग्सफोर्ड, यहाँ पर जेजे ग्रिफिन, कायरन काउटे, कॉर्बिन, यहाँ पर फिर उनके बाद में ब्रेंडन बेनेट। तो ये इनकी टीम का लास्ट मैच के अंदर प्लेइंग 11 था विद बैटिंग ऑर्डर। स्टैट्स की बात करूँ तो इनकी टीम यहाँ पर 6 में से 5 जीती है और एक ही मुकाबला हारी है लास्ट के 6 में से। तो बहुत अच्छा इनकी टीम खेली है। ओपन कौन कर रहे हैं? ओली वेबस्टर और एडी बियर्ड। ओली वेबस्टर ने ना जो यहाँ पर लास्ट में क्वालिफाई वगैरह के मैच हुए ना वहाँ पर इसने बॉलिंग नहीं करवाई थी। लास्ट के 6 मैच में 4 ओवर डाल के 2 विकेट हैं, बल्ले से 49, 53, 55 नॉट आउट, 103 नॉट आउट, 0 हैं। बहुत बढ़िया प्लेयर है। एडी बियर्ड भी आप देखो 59 नॉट आउट, 50, 24 नॉट आउट, 58, 96, 24, बहुत शानदार प्लेयर है। क्रिश्चियन वेबस्टर की बात करो तो 9 बैटिंग, 14 नॉट आउट, 52, 21 नॉट आउट, 9 बैटिंग, 6 हैं। और क्योंकि अब यहाँ पर जो एक प्लेयर था इनका कार्ल बार्टमैन वो नहीं है तो ये विकेट कीपिंग भी मेरे हिसाब से करना चाहिए। सैम बर्नेट 9 बैटिंग, 4, 32, 9 बैटिंग, 31 है। 2 पारियाँ अच्छी है लेकिन ये काम आएगा आपके तब जब इनकी टीम पहले बैटिंग करे। ल्यूक वार्ड न्यू प्लेयर स्क्वाड में एड हुआ है T20 में, 5 मैच में 46, 1 विकेट है इसके नाम। रिसेंट फॉर्म 2, 2, 1 विकेट, 17, 17, 8 है। अकी वेंडरबर्ग बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट पिक चॉइस बनता है क्योंकि 2 ओवर की बॉलिंग आपको देगा। लास्ट के 6 मैच में 4 विकेट है 11 ओवर डाल के, बल्ले से यहाँ पर 10 नॉट आउट और 34 नॉट आउट है। अगर मतलब इसकी बैटिंग की जरूरत पड़ती है तो बैटिंग भी अच्छी कर सकता है। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है ओली वेबस्टर, एडी बियर्ड, क्रिश्चियन वेबस्टर अगर नंबर 3 पर खेल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, और अकी वेंडरबर्ग भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है। नेक्स्ट जो प्लेयर है क्रिस लैंग्सफोर्ड, भाई ये भी इनका मेन बॉलर है। लास्ट के 6 मैच में 12 ओवर डाल के 5 विकेट है, बल्ले से 1 और 24 नॉट आउट है। जे जे ग्रिफिन है लास्ट के 6 मैचेस में अगर आप देखोगे 8 ओवर डाल के 4 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो। कायरन काउटे हैं लास्ट के 6 मैच में 11 ओवर डाल के इसके नाम 6 विकेट है। और यहाँ पर की लेबेन बर्ग जो है ना लास्ट के 6 मैच में इसने सिर्फ एक ही मैच में 2 ओवर डाले वहाँ पर 4 विकेट है, उसके अलावा सारे मैच में 1-1 ओवर मिला है और ये विकेट लेस भी गया है। फिर यहाँ पर आएंगे ब्रेंडन बेनेट, 1 ओवर डाला विकेट लेस थे। तो यहाँ से देखो अभी के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, क्रिस लैंगफोर्ड है और यहाँ से कायरन काउटे, ये 2 मेन बॉलर हैं। इसके अलावा जेजे ग्रिफिन को मैं अगर रखूंगा तो तब रखूंगा जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करे, बाकी ये इनके बेंच के प्लेयर है अगर कोई खेलता है तो। लास्ट मैच में स्टार्टिंग ओवर डाले ब्रायन बेनेट, अकी वेंडरबर्ग, डेथ मैच सी लेबन बर्ग, कायरन काउटे और सी लैंगफोर्ड। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम यानी कि इस्टोनिया की टीम की। इस्टोनिया की टीम की तरफ से लास्ट मैच में ओपन किया स्टेफन गुच, बिलाल मशूद, फिरा स्टुअर्ट हुक, अरसलान अमजाद, हार्दिक प्रजापति, डेविड रॉबिन्सन, रूपम बेरवा, पढ़ने की वाला माको वेक, आदित्य पोल और कले विस्लापुर। तो ये इनके टीम का लास्ट मैच के अंदर प्लेइंग 11 था विद बैटिंग ऑर्डर। स्टैट्स की बात करें इनके टीम लास्ट के 6 में से 4 जीती, 2 हारी हैं। स्टेफन गुच की बात करें तो बढ़िया प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकता है। लास्ट के 6 मैच में 10 ओवर डाल के इसके नाम यहाँ पर 2 विकेट है और बल्ले से 25, 43 नॉट आउट, 35 नॉट आउट, 0, 106 नॉट आउट, 26 है। बिलाल मशहूद भी यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। लास्ट के 6 मैच में 12 ओवर डाल के 6 विकेट है, बल्ले से 1, 11, 12, 0, 8 हैं। स्टुअर्ट हुक हैं लास्ट मैच में ये वन डाउन खेला था और अगर ये वन डाउन खेलता है तो एक बढ़िया पिक है। 44 नॉट आउट, 9 बैटिंग, 9 बैटिंग, 1 नॉट आउट, 5, 46 है। अरसान अमजाद पहले ओपन कर रहा था लेकिन लास्ट मैच में नीचे आया था, 27, 1, 41 नॉट आउट और 64 है। लेकिन लास्ट के दोनों मैच जो ये आइसले ओपमैन की टीम के खिलाफ खेला है ना दोनों मैच में 0 पे आउट हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। हार्दिक प्रजापति 7, 9 बैटिंग, 9 बैटिंग, 1, 18, 4 है। डेविड रॉबिन्सन यहाँ पर 5 मैच में 10 ओवर डाल के 5 विकेट है, बल्ले से 21 की पारी है। तो यहाँ से देखो स्टेफन गुच, बिलाल मशूद और यहाँ से स्टुअर्ट हुक और डेविड रॉबिन्सन अच्छे प्लेयर है, लेकिन अगर आप सेफ जा रहे हो तो आप अरसान अमजाद को भी टीम में ट्राई करके
चल सकते हो। रूपम बेरवा पहली बॉलिंग पे काम आ सकता है, लास्ट के 6 मैचेस में अगर आप देखोगे तो 9 ओवर डाल के 2 विकेट है। पर्णे गीवाला लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर 11 ओवर डाल के 5 विकेट है। मार्को वे कुछ खास नहीं है, आदित्य पोल ने 5 मैच में 2 ओवर डाले हैं। कलेव इसलापू भी ज़्यादातर मैच में 1-1 ओवर डालता है, लास्ट के 6 मैचेस में 8 ओवर डाल के इसके नाम 7 विकेट है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन है, इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से रहेंगे, देखो रूपम बेरवा बॉलिंग फर्स्ट में काम आ सकते हैं और पर्णे गीवाला और कलेव इसलापू भी एक ट्रंप का काम कर सकता है। बाकी इनके बेंच के प्लेयर अगर कोई खेलता है तो लास्ट मैच में स्टार्टिंग ओवर डाले डेविड रॉबिन्सन, पर्णे गीवाला, बिलाल मसूद, डेथ मैच डेविड रॉबिन्सन, बिलाल मसूद और स्टेफन कुच। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का हो चुका है कम्प्लीट, अब चलेंगे डेमो टीम की तरफ। उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ज़रूरी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक टॉप पर पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अगर बात करूँ मैं तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है स्टुअर्ट होक, सी वेबस्टर, एडी बियर्ड, स्टेफन गुच, ओली वेबस्टर, बिलाल मसूद, सी लैंगसफोर्ड, अक्की वेंडा बर्ग, रूपम बेरवा, कायरन काउटे, प्रणय घीवाला, कैप्टन स्टेफन गुच, वाइस कैप्टन एडी बियर्ड। बाकी फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।